मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीडी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छी है। तो अभी अभी मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के आया हूँ, तो उधर मेरी फ्रेंड के साथ में थोड़ा बाजार गई थी। मैं तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन वो अकेली है तो थोड़ा साथ चलो करके मैंने साथ गई थी। तो वहाँ पे जाके बाजार में जाके मैंने एक चीज़ मेरी फेवरेट का है, मैंने देखा तो मैंने ले लिया है। परसों भी खाया था, लेकिन परसों तो मेरी फ्रेंड ही दिया है, ख़रीदा नहीं है, लेकिन आज तो खरीद के लाया हूँ। देखो क्या लाया हूँ मैं गाइस। देखो फिर से मैंने मशरूम लाया है, जो हमारे भाषा से मीठू महाप लोग बोलते हैं। देखो बहुत फेमस है, बहुत महंगा है, ये 200 का लाया है, 1000 किलो है, थोड़ा कम हो गई है। परसों तो मैंने लिया तो नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने लिया है, तो 1500 का है किलो, तो आज तो थोड़ा कम हो गए, तो 1000 का है, तो मैंने 200 के लिया हुआ है। देखो आज खाएंगे ये कितना है यहाँ पर, ये सूप खाएंगे ना, 10 है शायद, 10 है ना, तो 500 का हो गया होगा। बहुत महंगा है गाइस, ये सीजन में मिलते हैं, ऐसे एवरी टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए ये हर सीजन में खाना चाहिए। महंगा है लेकिन थोड़ा कम हुआ, इसलिए मैंने लिया है। अगर 1500 होता तो मैं नहीं लेती, लेकिन थोड़ा आज कम हो गया इसलिए ले लिया मैंने, 200 का है। और तो भी ले लेते तो अच्छा होता, पैसा कहाँ मिलेगा इतने, ये 200 का है ना। हाँ तो 200 का है। देखो तो गाइस आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहना, सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, और जो जो देख रही है, जो नया है, न्यू है अभी हमारी वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। कब करोगे आप? करते तो आप लोग को सब पीछे छोड़ के चले जाएंगे, आप भी सब्सक्राइब कर लो। ज्यादा इसमें कुछ नहीं देना है, सिर्फ इसमें सब्सक्राइब कर देना है, ज्यादा पैसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है। तो एक इंसान के लिए अगर एक सब्सक्राइब इनकी लाइफ में कितनी अच्छी भी हो सकते हैं, हो सकते हैं तो कितनी इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या बुरी बात क्या है, तो मतलब अच्छी बात है। मैं तो हर चैनल को मैं जो भी पसंद आते हैं ना, तो मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ, इतनी नोटिफिकेशन आते हैं तो हाँ। तो आप लोग हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्प कीजिएगा प्लीज़। मैं अभी, मेरी भी एक सपना था मैं भी यूट्यूबर बनूँ। मैं किसी को, मैंने ऐसे हाउस वाइफ लोग को मैंने देखा है, ये लोग भी करते हैं, तो मैं भी एक सपना था मैं भी एक कुछ करो, एक थोड़ा घर के लिए थोड़ा हेल्प कर सकूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करते हो गाइस। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा करके, तो गाइस देखते रहना, और भी नया नया वीडियो दिखाऊंगे आप लोग को, हमारे साथ जुड़े रहना, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड इवनिंग गाइस, तो आज बहुत हमारे घर में बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मैं अभी गैस आया है हमारे यहाँ, मेरी घर पे पाइपलाइन की गैस है। तो सुबह मैंने सुबह जल्दी उठ के मेरी छोटी बेटी को ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट भी बना के खिलाया और स्कूल में भी भेजा, लेकिन उसके बाद जो गैस चली गई ना, गैस नहीं आया, तो उधर से आके मैंने खाना बनाने के लिए, टिफिन बनाने के, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गैस ऑन किया, तो गैस नहीं आया। तो इंतज़ार करते करते फिर मकान मालिक को बोला, उन लोग के घर में भी नहीं आया, तो जो मेरे पड़ोसी इनको भी मैं पूछा जाके, उनके घर में भी नहीं आया, पूरा हमारी एरिया में गैस नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो इंतज़ार करते करते मैंने दोपहर तक इंतज़ार किया, फिर गैस नहीं आया, फिर मैंने क्या करूँ करके बहुत परेशान हो गई। तो मेरे बेटे तो 2 बजे स्कूल से आएंगे, तो उसको क्या खिलाऊंगी, कल की सब चावल भी है, जो चावल बासी चावल है उसको फ्राई करके उनको फ्राइड राइस बना के खिलाया सुबह, तो ख़त्म हो गई, ये भी सब्जी भी नहीं है रात की, तो क्या करूँ, मैंने बहुत परेशान हो गए। तो फिर उधर से आके, मेरी बेटी तो स्कूल से आने वाली है, तो स्कूल के आके अगर कुछ भी नहीं खाएगी तो पूरा दिन पेट भूखे है, खाली पेट है, तो उसको गैस हो जाएंगे, तो कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो मैंने
दुकान में जल्दी जल्दी बाकी गई, बाकी जो पूरी है ना, पूरी सब्जी बोलाया है, फिर उसको खिलाया। मैं तो नहीं खा सकती, मैं पूरी सब्जी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। अगर खाएंगी ना तो गैस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैंने एक ही खाया था तो खिलाया, फिर इंतज़ार किया, शाम तक इंतज़ार किया, आएंगे देख रहे, तो उनके घर में भी नहीं आया, मेरे घर में भी नहीं। बहुत परेशान हो गए पूरा हमारे एरिया में। तो आप भी आया है गैस, आप भी देखो, मैंने सब काट के पूरा कद्दू वगैरह सब्जी वगैरह पूरा काट के मशरूम लाया है बाजार से। हाँ। मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो मैंने काट के रख दिया था बनाने के लिए, रेडी आएंगे। हाँ अभी आए तो कब आएंगे करके इंतजार करते करते देखो अभी रात हो गई, 7 बज गई है। तो बस अभी आया है, तो आज तो बाहर जाके बिल्कुल शूट नहीं कर पाया गैस की प्रॉब्लम की वजह से। गैस आएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा करके मैंने देखते रहते चेक करते रहते, लेकिन नहीं आया। तो आप भी आया है तो आप भी खाना बनाना होगा। ऐसा लग रहा है कमज़ोर जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक दाना भी हमारे पेट में आज खाना नहीं गई, मैंने चावल नहीं गए है एक दाना भी, तो बहुत कमज़ोर जैसा लग रहा है। इसलिए आज बहुत परेशान होगा, ये बाप रे पूरा दिन खाली पेट रहना पड़ा आज। सब्जी मतलब पूरी सब्जी खिलाया है इनको, दो में एक ही खाया है, तो बहुत परेशान हो गया। अभी गाइस अभी खाना बनाना होगा, अब लोग के जाके बाहर में वीडियो शूट करके नहीं दिखा पाया, सॉरी गाइस। कल से मैं फिर जाने के लिए कोशिश करूँगी। तो दोपहर गर्मी भी इतनी गर्मी है, सुबह इतनी गर्मी है, तो दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो बारिश आने की जो होती है, तो दोपहर थोड़ा बारिश भी आया था। तो अभी तो मौसम अच्छा ही लग रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो अभी खाना बनाना है। देखो गैस पूरा काल मैंने क्लीन करके रखा था, रात को सुने से बनाया नहीं कुछ, गैस ही ऑन मतलब आया ही नहीं, तो कैसे बनाओ। बहुत परेशान हो गई मैं आज, बाप रे अभी खाना बनाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है गैस, बहुत ज़्यादा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूख लगे हैं। तो अभी खाना बनाएंगे, जल्दी जल्दी खाना बना के पास खिलाऊंगी इन दोनों को, मैं भी खाएंगे। तो आज तो बाहर जाके छूट नहीं कर पाया, मैंने पूरा सब्जी कट के रख यहाँ पे कट के रख दिया था। देखो प्याज वगैरह सुबह से मैंने काट के रख दिया था बनाने के लिए। ये कद्दू का सब्जी भी है, कद्दू भी काट के रख दिया था। पूरा मसाला वगैरह यहाँ पे मैंने मिक्सर में पेस्ट करके रख दिया था, खाना बनने के पूरा रेडी। अगर गैस आएंगे तो खाना बनाना है, लेकिन आए ही नहीं, आप भी आया है। पूरा हमारे एरिया में ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, बारिश की वजह से ना क्या पता नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार हो रहा है ऐसे। तो गाइस देखते रहना हमारे चैनल को आप। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। देखो गाइस आज खाना नहीं मिला, केला खा के रहना पड़ा। देखो इतनी भूख लगी है, सुबह से एक दाना भी चावल नहीं गई पेट में हमारे घर में आज, गैस की वजह से। गैस के जो पाइपलाइन है ना, गैस नहीं आ रही है। सुबह मेरी बेटी को जो स्कूल के टाइम में टिफिन बना के खिलाया, तब से गैस चली गई। उधर से स्कूल के आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाने लगे तो गैस नहीं आ रहा, तो बहुत परेशान हो गई आज। बस कब आएंगे करके देखते इंतज़ार करते कहते इतनी टाइम हो गई है, अभी तक गैस नहीं आया। तो ये केला खा करके ये दोनों देखो ख़त्म भी होने वाली है, ये दोनों मैं भी खाया है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बहुत परेशान हो गए गाइस आज, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ खाना के बिना कैसे रहना है, बहुत मुश्किल है, बाप रे बाप। तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। जो नया अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। तो आज भूखे के कारण मैं बाहर नहीं जा पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया,
बहुत कमजोर जैसा लग रहा है, थकान हो रही है। हाँ, थकान जैसा लग रहा है, तो गाइस देखते रहना। देखो गाइस, अभी फाइनली गैस आया, अभी खाना बनाने लगी हूँ मैं। मशरूम और कद्दू बनाया है, देखो कैसे दिखाओ। हाँ देखो, मशरूम के साथ कद्दू बनाया है मैंने। सुबह से मैंने काट के रख दिया था, बनाऊंगी। गैस कब आएंगे, गैस को इंतजार करते करते अब रात हो गई, सारा 7 बजे आया है गैस। बस अभी खाना बनाने लगी हूँ, बस बनाने अब कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी जल्दी बना के आज खाना खाएंगे। जिन्हें ज़्यादा भूख लगी है, मशरूम के साथ और कद्दू बनाया है, तो चावल तो मेरे बन गए हैं, चावल तो बना लिया मैंने। एक ही सब्जी बनाऊंगी, इतनी सब्जी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी जल्दी जल्दी खाना खाना है, बच्चों भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी खाना खिलाऊंगी इनको भी। तो बहुत परेशान हो गई आज, तो बहुत परेशान हो गई गाइस, इतनी परेशान हो गई आज। फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक दिन भूखे रहना पड़ा, ये भी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। हेलो बोलो। हेलो। ओ ये कैमरे ऐसे क्यों हो जाते हैं? हेलो, आज बिना खाने के रहने देखो, के बाद सब लोग कमजोर जैसे लग रहे हैं। आज बिना खाने के रहने के बाद हम सब खाट स्टैंड जैसे पतले हो गए एक दिन में ही। मैम एक्सपीरियंस हो गई ना, भूखे कैसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग आदत नहीं है ना। जो लोग ऐसे आदत रहते हैं, खाते नहीं है, मतलब ज़्यादा डाइट में रहते हैं, डाइट जो रहते हैं वो लोग भी तो खाते हुए एक टाइम, तो इसलिए आज एक्सपीरियंस हो गई फर्स्ट टाइम। तो पानी पी के केला खा के बस रहना पड़ा। तो गाइस देखते रहना। फ्रेंड्स देखो, फिर से करंट चला गया, अंधेरा हो गया, अभी खाने का टाइम होने वाला है और फिर से करंट चला गया। आज पूरा दिन भूखे। हाँ, आफ्टरनून में भी वो था ना, करंट गया हुआ था, इतना ज़्यादा बिजली आया। ओह माय गॉड, थंडर। हम तो डर गए सब, करंट को जाना होता है बस। हो गए सभी, देखते हैं, अंधेरा है सब जगह, सिर्फ हमारे यहाँ करंट गया या फिर दूसरों के घर में है। इन लोगों के घर में तो करंट है, उन लोगों के घर में भी है, ये क्या है, जनरेटर है या फिर हाँ। लो आ गया, अच्छा हुआ खाना शुरू नहीं किया था, वरना तो इतनी परेशानी होती। तो अभी हमारे यहाँ पर करंट आ गया है फिर से, अब खाना भी खाना है। रुको ज़रा, सबर करो। अभी मैं क्यूकम्बर का इसे करंट चला गया देखो। हमेशा ये नाटक होता रहता है, यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं जाती। लेकिन मैं फिर भी खा, अंधेरा हो गया। दूसरों के यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पर हो रहा है कुछ। दूसरों के घर में तो करंट भी है। कम्बर निकालना, मुझे काटना है भाई। ड्रामा एक नंबर का। पता नहीं फिर से नमूना ना शुरू हो जाए, आता ही जाता है बस, मतलब
सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना, और भी नया नया वीडियो बनाऊंगी मैं, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी, आप लोग के साथ जुड़े रहना, तो ऐसे ही साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जो नया है आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरा हस्बैंड भी कॉल आ रहे हैं, देखो तो गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।